यदि आप एक महंगा फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो तुम रहन दो, जाने दो। तो आ गया, कैसे हो दोस्तों? मार्केट में 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के भी फोन होते हैं लग्जोरियस। जिन लोगों ने वो रख रखे हैं उनमें से 95% को झंड को पता भी नहीं है कि उन्होंने क्यों रख रखे हैं, और जो भी उनकी प्रो परफॉर्मेंस होती है, जो प्रो फीचर्स होते हैं, वो उन्हें यूज तक नहीं करते। हाँ, उसमें होते हैं लेकिन उन्हें यूज नहीं करना, उन्हें वही यूज करना है उसका जो 10-15 हज़ार का फोन भी रख लेते तो भी वही काम करना था, और जो 1 लाख 1.5 लाख का रखा तो भी वही काम कर रहे हैं। फालतू में लग्जरियस फोन रखा हुआ है। कंपनी हमें इस तरह बहका देती है कि हम लग्जरियस चीजें खरीदें, लग्जरियस फोन रखें। इसे द शूडो रिच कहते हैं, मतलब दिखावे के लिए आपको ऐसा घुमा देगी कि भाई तुम एक महंगा फोन ले लो चाहे तुम्हारा काम का हो ना हो। देखो, मैं एक कंपैरिजन बताता हूँ आपको कि जो बजट फोन होता है और जो महंगा फोन होता है, फ्लैगशिप फोन होता है, दोनों अपने आप में डिफरेंस तो है लेकिन एक्चुअली जो बेसिक वर्क आप करते हैं, 95% जो बेसिक वर्क करते हैं, दोनों सेम ही कर रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल करना, मैसेज करना, फोटो खींच लेना, छोटे मोटे गेमिंग कर लेना, डेली वर्क कर लेना, यही काम 15,000 के फोन में भी होते हैं और यही 1.5 लाख के फोन में भी हो रहे हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है, मैं मेन डिफरेंस की बात बताता हूं और फिर वो बताता हूं कि क्यों ये यूजलेस है। सबसे पहले डिस्प्ले, जो फ्लैगशिप फोन होता है, प्रो फोन होता है, उसकी डिस्प्ले बजट फोन 15-14 हज़ार के फोन से कहीं बेटर होती है। एमोलेड डिस्प्ले होती है, इसमें IPS डिस्प्ले होती है। जी हाँ, यदि आप मूवीज वगैरह देखते हो तो ऑब्वियसली लग्जरी जो फोन है उसमें बेटर एक्सपीरियंस आता है, पर मैं इसे इग्नोर करना चाहता हूं क्योंकि नॉर्मली जब आप एक 15,000 का फोन चला रहे हो और अचानक आप महंगे फोन में आप वीडियो वगैरह देखो तो आपको चेंज पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद आदत हो जाती है और आदत हो जाने के बाद आपको वो नॉर्मली दिखने लगता है। जैसे घर में आपके छोटा टीवी लगा है, फिर आपने बड़ा लगा दिया तो आप लोग भाई साहब मजा ही आ रहा है इसमें, लेकिन 10-15-20 दिन 21 दिन बाद हैबिट पड़ने के बाद आपको नया वाला मजा आना ही बंद हो जाता है। तो ऐसे में जो डिस्प्ले का जो इफेक्ट है वो कुछ दिन आपको मजा देता है, बाद में मजे का पता ही नहीं चलता कि साला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 95% लोग फोन को सिर्फ और सिर्फ मूवीज देखने के लिए नहीं खरीदते हैं, बाकी काम भी करने हैं। जो बिल्कुल ही मूवी शो देखने का कीड़ा होता है ना, वो टीवी ले लेता है, और हो आप कीड़े तो वो ले भी सकते हो, लेकिन आपको इंस्टाग्राम चलाना है, शॉर्ट्स चलाना है, देख लिया, 360p में देख रहे हैं क्योंकि नेट भी ढंग से नहीं आ रहा है, तो ऐसे में डिस्प्ले की तो पुत गई कि भैया इतनी महंगी डिस्प्ले लेने के बाद भी 360p में देखना है या 15-20 मिनट आधे घंटे घंटे देखना है, तो क्यों 80,000-90,000 एक्स्ट्रा क्यों देने हैं? दूसरा फर्क है प्रोसेसर का। जो लग्जरियस फोन होते हैं, जो फ्लैगशिप फोन होते हैं, उनका प्रोसेसर बहुत ही हाई एंड होता है, एक्चुअली बजट फोन से वो हाई परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमें उस हाई परफॉर्मेंस का यूज ही नहीं होता। यदि आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो वो हाई परफॉर्मेंस वाला सॉफ्टवेयर काम करेगा, लेकिन जो लोग एडिटिंग करते हैं, फिल्म मेकिंग करते हैं, उनके पास लैपटॉप होता है, लैपटॉप ज्यादा बेटर काम करता है। अगर आप 80-90 हज़ार रुपए दे के फोन ले रहे हो केवल एडिटिंग के लिए तो तुम लैपटॉप लो ना, तुम झंडू हो यदि तुम फोन ले लेते हो एडिटिंग के लिए। सेम तो प्रोसेसर जो बजट वाला फोन होता है, नॉर्मली फोन में हम गेमिंग कर लेते हैं, तो गेमिंग तो 15,000 वाले फोन में भी चल जाएगा, उस बजट फोन में भी चल जाएगा। अगर वही गेमिंग तुम्हें 90,000-1,00,000 वाले फोन में चलाना है तो भैया क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? कैमरे का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एक्चुअल डिफरेंस होता है कि बजट फोन में जो फोटो हैं वो खराब आते हैं, इमेजेस खराब आती हैं, और जो फ्लैगशिप फोन है वाकई इसमें फोटो की क्लैरिटी, मॉड्यूल, मेगापिक्सल एक्चुअली वर्क करते हैं, एक्चुअली शाइन करते हैं, एक्चुअली क्लियर पिक्चर देते हैं, ये बड़ा डिफरेंस है। तो यदि आपको सिर्फ कैमरे में क्लैरिटी चाहिए कि भैया हमें फोटो से मतलब है, क्लियर से क्लियर फोटो आना चाहिए, बस वही मेन फोकस है, तो सही बात है, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ फोटो खींचना चाहते हैं। अगर आप फोन से फोटो खींचते हो तो आपका थोपड़ा जैसा है वैसा ही आएगा भैया, हाँ क्लियर फोटो आएगी, लेकिन यदि तुम्हारा थोपड़ा ही राखी सावंत जैसा है तो तुम टॉम क्रूज थोड़ी लगोगे। और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोटो ही खींचने हैं तो प्रोफेशनल कैमरा लो ना भाई, फिर फोन में 90,000 देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर भी उसके फोटो की क्वालिटी जो प्रोफेशनल कैमरा होता है उससे तो फिर भी कम आती है। फ्लैगशिप फोन की बॉडी बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही मजबूत होती है, ये कमाल की बात है, जबकि जो बजट फोन होता है उसमें प्लास्टिक की दे दिया, एक ग्लास व्लास दे दिया, वो कंपैरेटिवली उतनी मजबूत नहीं होती जितनी फ्लैगशिप की होती है। पर यहां पर अगर फोन गिरा,
डिस्प्ले की तरफ से, तो डिस्प्ले तो ससुरा दोनों की ही टूटेगी, तो क्या फ्लैगशिप और क्या बजट फोन। तो यहां पर फ्लैगशिप फोन के जितने भी एक्स्ट्रा फीचर थे वो सिर्फ डेडिकेटेड चीजों के लिए, आप डेडिकेटेड मूवी देखते हो, आप डेडिकेटेड एडिटिंग करते हो, आपको डेडिकेटेड फिल्म मेकिंग करना है, स्पेशली इनके डेडिकेटेड फीचर। बहुत सारे फीचर्स तो ऐसे हैं जैसे सैमसंग में आप मान लो सैमसंग डेक्स हो गया, हाँ दिया है भैया पर यूज कौन करता है, और लैपटॉप का बहुत ज्यादा ऑल्टरनेट भी नहीं है। पेन दे दिया, पेन से मैं कान खुजाता हूं, किसी काम का नहीं है। तो जितने भी हैवी ये फीचर दिए जाते हैं वो किसी काम के नहीं है। आईफोन में सैटेलाइट वाला दे दिया, वो है ही नहीं इंडिया में। बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो फ्लैगशिप फोन में होते हैं, पर होने का क्या करें जब उनके यूज ही नहीं है, कभी कभार यूज है, तो उसके लिए तुम लाख रुपए एक्स्ट्रा थोड़ी दोगे भैया। हमें नॉर्मल काम करने होते हैं, अधिकतर लोग नॉर्मल काम करते हैं, 95% ज्यादा से लोग अभी व्हाट्सएप चलाना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, थोड़ी मोड़ी वीडियो देख ली, हल्का फुल्का गेम खेल लिया, ऐसे ही बैठ लिए, फोटो वोटो खींच लिए, थोड़े मोड़े जैसा आ गया, वो 15,000 फोन वाले फोन में भी बढ़िया होता है, वही लग्जरियस फोन में होता है। तो फिर लग्जरियस फोन क्यों खरीदने चाहिए? सबसे बड़ा रीजन है इसका शेडो रिच, मतलब फेक रिचनेस, एक्चुअली अमीर दिखना, शोबाजी। आपको पता है एंशियंट इजिप्शियन ने 2450 BC में नूबिया में गोल्ड जब पहली बार पाया तो चमक रहा था भाई साहब, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो गोल्ड बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से निकाला जाता है और खूबसूरत लगता है। तो राजा महाराजाओं ने उसके गले में पहनना, हाथ में पहनना और सिर पे पहनना और लपेट लेना, क्यों? क्योंकि वो जो गोल्ड है वो बहुत रेयर मिलता है और इसलिए बहुत महंगा होता है। वैसे तो गोल्ड का कोई काम नहीं है, ऐसा तुम खा लोगे अमर हो जाओगे, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के टीका लगा जाओगे तुम्हारा चिपट जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पहन लिया तो वो शो करता है कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, तुम कितने अमीर हो, तुमने कितना हासिल कर लिया है। यही जो फीलिंग है ये सबको दिखानी है, स्पेशली ये मेल में होता है तो ये दिखानी है, और इसके चलते वो फोन भी इसीलिए बेचे जाते हैं कि भैया तुमने 1.5 लाख का 2 लाख का आईफोन ले रखा है, और जब तुम आईफोन को दिखाओगे तो तुम रिच हो या नहीं हो पर तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें रिच समझ रहे हैं। पर कमाल की बात तो यह है कि तुम गरीब हो तो फिर तुम अमीर दिख के क्या करोगे, और जब तुम अमीर हो तो भी अमीर दिख के क्या करोगे। तो ये जो साइकोलॉजी है इसी के कारण, दिखावे के कारण ये फोन बिकते हैं। एक्चुअली जो फ्लैगशिप फोन है उसका यूज मुश्किल से 5% लोग करते हैं। तो यदि आप डेडिकेटेड गेमर हैं तो आप लैपटॉप ले लो, आप डेडिकेटेड फोटोग्राफर हैं तो आपको प्रोफेशनल कैमरा लेना चाहिए, आप डेडिकेटेड मूवीज वगैरह देखना चाहते हैं और टीवी नहीं चाहते तो फिर भी ठीक है, वरना टीवी देखो। तो ऐसे में महंगे फोन लेने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि शोबाजी, या आप 2-4% लोगों में से जो एक्चुअली इनको यूज करते हैं, वरना भैया फालतू पैसे वेस्ट नहीं करते, बजट फोन ले लोगे तब भी ठीक है। यहां पर ये साइकोलॉजी चलाई जाती है, महंगी से महंगी चीज बेची जाती है, कई सारी यूजलेस चीजें हैं जैसे कि सोने का, वो क्या बोलते हैं टट्टी करने का, जैसे सोने की इंग्लिश सीट, सोने की इंग्लिश सीट पर फ्रेश होने से क्या माल सोने का निकल जाता है? नहीं ना। अरे ससुरे वैसे वाली सीट पे कर लो चाहे इस पे कर लो, एक ही तो बात है, यूजलेस है ना। तो ऐसे ही लग्जरियस फोन है, जब तक जरूरत नहीं है खरीदना बेवकूफी है, ये सब बेकार की बात है। फिर भी तुम लग्जरियस फोन खरीदना चाहते हो बिना यूज के, अच्छा।